यार ये इतनी जल्दी धुला कैसे होने लग गया? अंधा होकर गाड़ी चला रहा है, मारेगा क्या? गॉड, ऐसे तो मैं गाड़ी चला ही नहीं सकता। मेरे लिए नहीं बल्कि रास्ते के लोगों के लिए भी डेंजरस होगा। यार मुझे लगता भी पैदल ही निकलना पड़ेगा। October. ये डेट तो संजना की डायरी में लिखी थी। That means 20th October अज्जू का बर्थडे है और संजना अज्जू से प्यार करती थी। कितनी बड़ी खिलाड़ी निकली, एक साथ दो दो लड़कों को फंसा रखा है, वो भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को। पर ऐसा क्या हुआ जो संजना ने अजय से शादी की, ये कैसे पता लगाऊं मैं? कुछ तो वजह होगी। चैट्स चेक करती हूँ अज्जू और संजना की। 23rd May 2015। अज्जू, आई लव यू बेबी। 16th June 2015, मिस यू बेबी। 16 जून से पहले तो इन दोनों की शादी हो गई थी। तुम्हारी बाहों में 24/7 रहना चाहता हूँ, बस तुम चाहिए, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं। बेशरम लड़की, हिम्मत तो देखो इसकी, एक ही साथ दोनों लड़कों को फंसा रही है, दोनों के साथ फ्लर्ट कर रही है। कितनी भोली बनती है। इस सती सावित्री का पर्दाफाश जरूर करूंगी मैं। प्लीज जल्दी चलाइए। भैया भैया वो गाड़ी के पास रोकिएगा प्लीज। अजय, ये अजय का गाड़ी ऐसे बीच में क्यों रोक दी? भगवान, उसे कुछ हो ना गया। भैया प्लीज जल्दी चलिए। हाँ बोलो बेटा। मम्मी, मैंने कहा था ना संजना का किसी और के साथ चक्कर था। क्या? अरे हाँ मम्मी, मैंने सारी चैट्स पढ़ी है। नहीं नहीं, तुम्हारे पढ़ने में ना जरूर कोई गलती हुई होगी। मम्मी, मैंने फोटो भी देखी है। है? फोटो भी है? यस मम्मी, अज्जू के साथ संजना का सॉलिड चक्कर था शादी से पहले। और जैसे ही अज्जू इंडिया छोड़ के बाहर गया, वैसे ही संजना ने अजय को फंसा लिया और अजय से शादी कर ली। और पता है आपको, इतनी बेशरम लड़की है, शादी के बाद भी अज्जू के साथ फ्लर्ट करती है, रात रात भर चैट करती है उससे। वैसे एक बात है, लास्ट एक महीने से कोई चैट नहीं हुआ है। क्या कहूँ बेटा, लाज हया शर्म सब कुछ बेच खाई है इस लड़की ने। लेकिन हाँ, ये खबर तुम्हारे बड़े काम आएगी। एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रही थी। मम्मी, मैं आपसे थोड़ी देर के लिए मिलना चाहती हूँ। मैं काम करती हूँ, यहाँ से कोई ना कोई बहाना देके निकल जाती हूँ। मैं अभी मार्केट में हूँ, तू ऐसा कर, तू वही आ जाना, करंस कैफे में मिलते हैं। अच्छा हाँ, कमरे से निकलते वक्त अपने सारे सबूत इकट्ठा करके अपनी सारी निशानियां वहां से मिटा के निकलना, दोबारा पकड़ी मत जाना। ओके मम्मी, आप ही की बेटी हो, सारे सबूत निशान सब कुछ मिटा दूंगी। ओके बाय, मिलती हूँ।
चैट हिस्ट्री डिलीटेड, लॉग आउट। कहीं ये वो सीडी तो नहीं जो मैं तब से ढूंढ रही हूं? चेक करती हूँ। My God, I can't believe this. कहते हैं ना, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। एक दिन में दो दो सबूत संजना देवरानी के खिलाफ। अब देखते हैं कौन किसको धमकी देता है। Be ready. इस घर में अब कुछ ही दिनों की मेहमान हो तो उसके बाद धक्के मार के निकाले जाओगे। ना रहेगा अजय, ना रहेगा अज्जू। आई फील सो सैड। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझसे नफरत करता था, मैं भी उसका मुंह देखना पसंद नहीं करती थी, पर आज पता चला कि वो मेरी कितनी परवाह करता है। मेरे लिए अपना टाइम, घर, यहाँ तक कि जान भी देने के लिए तैयार है। मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगी। भगवान प्लीज उसकी रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। सुशांत जी, thank you.
किशन जी, कोई है? दुष्यंत जी, अजय, संजना, स्टेशन चलेंगे और अभी रिपोर्ट लिखवाएंगे, तुम चलो। अंजना नहीं, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारे पापा हैं। वो मेरे पापा नहीं हो सकते, जो अपने इज्जत और अपने ईगो के आगे कुछ भी नहीं देखते, वो मेरे पापा नहीं हो सकते। मैंने ना तुम्हारे बारे में सोचा ना मेरे बारे में, बस हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट लिखवाएंगे, बस ये फाइनल डिसीजन है। यहां से मैं तुम्हें निकलने दूंगा तब तक तुम पुलिस स्टेशन जाओ। संजना, ये खेल मैंने शुरू किया है, इसे खत्म भी मैं करूंगा। नहीं पापा, आपका खेल अब खत्म हो गया, हम पुलिस स्टेशन जाकर ही रहेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। चलो आज भागो, दिखाओ भागकर। पापा भी सही नहीं कर रहे, दो राइडो तुम देख क्या रहे, उड़ाओ उसे। कोई सा हाथ भी नहीं लगाएगा, मैं बोल रही हूं हटो यहां से। संजना, संजना बचाओ, संजना। कौन है? पापा, पापा ये कैसे क्या? पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए। संजना क्या हुआ? क्या करूं? एक मिनट पापा, बस पकड़े रहिए, बस एक मिनट। संजना बचाओ, संजना। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। एनीवे, आज ना मैं दो सैंडविचेस खाऊंगी, क्योंकि दो सबूत मेरे हाथ लगे हैं, इसीलिए डबल सेलिब्रेशन। तुम्हारा फेवरेट सैंडविच तो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ऑर्डर कर दिया है, लेकिन इतनी ज्यादा खुश हो तो एक रसमलाई भी ऑर्डर कर दूं? टेम्पटिंग है, पर रसमलाई अभी नहीं। मेरी प्यारी देवरानी जब घर से आउट होगी उस दिन मैं रसमलाई खाऊंगी। इतनी दीवानी मत बनो श्रेया, कम से कम आने से पहले एक बार देख तो लेती कि उसने तुम्हारे खिलाफ क्या तैयार किया था। सही कह रही हो मम्मी, अगर आप नहीं होती ना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अब क्या सोचने लग गई, खाओ। मम्मी मैं ये सोच रही हूँ कि संजना को इस घर से निकालने का प्लान अभी तक मैंने सही से नहीं सोचा। मतलब पहले घर वालों को वो डायरी दिखाऊंगी या पहले उसके फ्रेंड्स बुक चैट के बारे में? पहले तुम अपना सैंडविच खत्म कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाऊंगी और फिर ठंडे दिमाग से तुमको बताऊंगी कि संजना की विदाई का प्लान हम कैसे करेंगे। As you wish. Thank you भैया। पापा ये लीजिए, पापा इसे पकड़िए प्लीज।
संजना मेरा वजन नहीं उठा पाओगी तुम। संजना क्या हो रहा है? मैं आपको खींच लूंगी। अजय अंकल मैं हूँ संजना, तो मुझे बताओ क्या करना है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। संजना प्लीज प्लीज पकड़ो ना। मैं तुम्हें जान से मारना चाहता था और तुम ये अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। ऐसी इंसानियत और अच्छाई आज पहली बार देख रहा हूं। बेटा मुझे माफ कर दे। क्योंकि परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकत कोई खजाना नहीं है, उसे बचाए और बनाए रखने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना चाहिए। पता है एक बार पहले भी अनाथ हो चुका हूं। अब वो बात अलग है कि मामी और मामा ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन पिता को खो देने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानता है। संजना के साथ मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। बेटा मैं जानता हूं मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मुझसे माफी मत मांगिए अंकल। उस वक्त जो आपको सही लगा आपने वो किया। हाँ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि संजना के फैसले की इज्जत करें, उसे एक्सेप्ट करें, उसे जो करना है वो करने दीजिए, आपकी अपनी बेटी है। संजना बेटा जिद में बच्चे के आप बड़े भी भूल जाते हैं कि वो गलती कर रहे हैं। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं पापा, गोद से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हाँ अगर आपको मांगना ही है तो किसी और से। किससे बेटा? मम्मी 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 अब आइसक्रीम भी खा लिया, अभी आप बताइए प्लान क्या है, संजना को उस घर से बाहर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उससे एक एक करके बदला ले लो। जिस तरह से उसने मुझे ज्वेलर के सामने शर्मिंदा किया था, उससे मुझे सॉरी बुलवाया था, आज तक नहीं भूली हूँ। आज तक उस ज्वेलर के पास मैं वापस नहीं जा पाई हूँ। अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना, अब मैं उसे मजा चखाती हूँ। पर मम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? अज्जू अब तक चुपचाप क्यों बैठा है? उसे तो सबके सामने आकर सच्चाई कह देनी चाहिए थी कि वो संजना से प्यार करता है और उन दोनों का अफेयर चल रहा था, और अच्छू अजय का बेस्ट फ्रेंड भी है। उसके चुप रहने से क्या होता है, सबूत थोड़ी ना चुप रहेंगे। एक एक करके उसके खिलाफ सारे सबूत हम सारे घर वालों के सामने ऐसे सामने लाएंगे कि कोई उसकी शक्ल देखना तक पसंद नहीं करेगा। आई लव यू मम्मी, मतलब अब बहुत स्मार्ट है। पता है संजना अग्रवाल इस घर से बाहर तो जाएगी, फिर एक एक करके पूरी पराई पलटन इस घर से आउट। मुझे बस उसी दिन का बेसब्री से इंतजार है जब श्रेया पेठेवाला हाउस में राज करेगी, इकलौती बहू बनकर।